हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं वेजिटेबल ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और ये वेजिटेबल के साथ बनता है तो ये हेल्दी भी होता है। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं उसे हम आसानी से प्यार से खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल ऑमलेट के लिए हम सबसे पहले गैस पे एक फ्राई पैन ले लिए हैं। गैस को ऑन कर लेंगे। पैन को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें चला लेना है, बीन्स जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, आदि सब्जियों को हमें तेल में 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। सब्जी को सॉफ्ट हो जाने देना है। इतना कलरफुल सब्जी लग रहा है। जब ये ऑमलेट बनके तैयार होगा तो देखने में सुंदर, खाने में हेल्दी। हमने सब्जी को 3 से 4 मिनट तक भूना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। टमाटर डाल ही दिया है तो हम अब इसमें 1 के अनुसार नमक डालेंगे। और भी सब्जी के साथ नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी जल्दी सॉफ्ट होने के लिए हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है, हम सब्जी चेक कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी सभी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। खुद वेजिटेबल ऑमलेट के लिए हमें सब्जी गलने नहीं देना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। हमें सब्जियों में क्रंच दिखना चाहिए। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। सब्जी जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम अंडे का घोल बना लेते हैं। तो चलिए हम अंडा खोल लेते हैं। हमें एक बॉल लिए हैं, उसमें हम 6 अंडा तोड़ लेंगे। अंडे को ऐसे हमें बीच से तोड़ते हुए फोड़ लेना है। हमने सभी अंडे को तोड़ लिया है। जितना हमने वेजिटेबल लिया था उसके लिए 6 अंडे हमें चाहिए। अब हम इन अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। हमने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ ब्लैक पेपर डालेंगे। कुछ हमने धनिया पत्ता को बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से फेंट लेंगे। एक अपना अच्छे से फेंट चुका है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हम गैस को ऑफ करके अंडा का मिश्रण तैयार करने गए थे, तो अब हम इस सब्जी में इस घोल को चलाते हुए डाल देंगे। ऑमलेट बहुत ही टेस्टी होता है
हम सब्जियों के साथ अच्छे से अंडे को मिक्स कर लेंगे। हमने सब्जी के साथ अंडे को अच्छे से घोल लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और हम मीडियम फ्लेम पे ऑमलेट को अच्छे से पकने देंगे। एक कवर से हम इसे कवर कर लेंगे। ठीक 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे अपना ऑमलेट कैसे सेट हुआ है। चलिए हम कवर हटा के ऑमलेट चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी ऑमलेट की ऊपर वाली लेयर जो है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो हम ऑमलेट को अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप जिस तरह से चाहे काट के सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल ऑमलेट हमने डिश आउट कर लिया है। अब हम आपको काट के दिखा देते हैं। ऐसे हम बीच से इसे काट देंगे। कितना बढ़िया तैयार हुआ है। इसे आप कभी भी बनाइए, कोई गेस्ट आए तो बनाइए, अपने फैमिली को बना के खिलाइए। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।